सोसाइटी क्या बोलेगी, समाज क्या बोलेगा, परिवार क्या बोलेगा, पड़ोसी क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, पति क्या बोलेगा, बॉयफ्रेंड क्या बोलेगा, वो क्या बोलेंगे में ना, वो क्या सोचेंगे में, वो इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि काम शुरू करने से पहले ही वो चीज़ें खत्म हो जाती है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ काविंद्र चौहान और आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया का खास प्रोग्राम आवाज। हर हफ्ते की तरह हम एक बार फिर आपके सामने हैं एक नई स्टोरी के साथ, एक नई आवाज़ के साथ। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि जिनकी आवाज़ नहीं होती उनकी आवाज़ हम बनने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मेरे जहन में आई कि जो आप तक पहुंचाई जानी चाहिए। हम दिल्ली की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन जो बात नहीं होती वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड की प्रमुख समस्याओं में एक सबसे बड़ी समस्या है, वो है पलायन की। उस पर कोई बात नहीं करता। उत्तराखंड से पलायन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि लोगों के जहन में यहाँ सिर्फ एक बात पता है कि बड़ा होकर पढ़ाई करनी है और फिर पलायन कर किसी दूसरे शहर में जाना है कमाने खाने, जबकि उत्तराखंडवासी उत्तराखंड में रहकर ही अपना घर रोज़गार सब संभाल सकते हैं। तो ऐसे में एक ऐसी कहानी हमको मिली कि जिसको आपको बताना बहुत ज़रूरी हो गया था। मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड के देहरादून की दिव्या रावत की। जी बिल्कुल सही सुना आपने, मैं मशरूम गर्ल की ही बात कर रहा हूँ, उत्तराखंड की मशहूर मशरूम गर्ल। अब दिव्या रावत जी से मिलना था तो ऐसे में हमको उत्तराखंड आना ही पड़ा, क्योंकि मैंने सोचा कि सिर्फ कहानी सुना देने भर से शायद आपको वो तस्वीरें उतनी साफ ना हो सकें, इसलिए मैं खुद उत्तराखंड आया। उत्तराखंड के बाद आज मैं मौजूद हूँ देहरादून में और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे ये दिव्या रावत जी का घर है। यहीं पर उनका लेबोरेटरी का काम चलता है, यहीं पर वो बीज बनाते हैं, यहीं से बीज का निर्माण किया जाता है और यहीं से सभी चीज़ें वो खुद मैनेज करती हैं। इसमें उनके साथ उनके भाई हैं, उनकी बहनें भी हैं जो यहाँ पर उनकी मदद करती हैं। और किस तरीके से वो काम करते हैं, किस तरीके से 2013 से जो ये सफ़र शुरू हुआ था ये अब कहाँ पहुँचा है और आगे कहाँ तक जाने वाला है। दिव्या रावत ने उत्तराखंड की महिलाओं के लिए जो एक तस्वीर पेश की है वो अपने आप में बहुत बड़ी है। उन्होंने रोज़गार दिया, हज़ारों महिलाओं को उन्होंने रोज़गार देने के साथ ही उनका उत्साहवर्धन किया, उन्हें बताया कि उत्तराखंड में रहकर ही वो अपना काम कर सकते हैं, उत्तराखंड में रहकर ही वो रोज़गार कर सकते हैं, उत्तराखंड में रहकर ही वो आगे बढ़ सकते हैं। तो अब मैं सीधे आपको लेकर चलता हूं दिव्या रावत जी के पास, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये सफ़र उन्होंने कैसे शुरू किया और ये उनको कहां से ये सीख मिली कि अपना खुद का काम करके अपने आप को तो रोज़गार देना ही है, साथ ही साथ हज़ारों लोगों का रोज़गार बनना है, हज़ारों लोगों को रोज़गार देने के साथ ही उनके लिए एक नई नासीर पेश करते हैं। आइए। तो जैसा कि मैंने आवाज़ का प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले आपको बताया था कि मैं आपकी मुलाकात मशरूम गर्ल से कराऊंगा, ऐसी गर्ल जिसके चलते कितने ही लोगों को उससे उत्साह मिलता है, कितने ही लोग आगे बढ़ने के लिए उससे प्रेरित होते हैं। तो अपने वादे को पूरा करते हुए मैं सीधा दिल्ली से उत्तराखंड आ चुका हूँ, उत्तराखंड के अंदर देहरादून। देहरादून में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, दिव्या जी मेरे साथ है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। तो दिव्या जी ये बताइए, ये सफ़र कैसा रहा दिव्या से मशरूम गर्ल बनने का? जी ये मेरी शुरुआत 2013 से हुई है, इट्स बीन 8 इयर्स आई एम इनटू दिस मशरूम कल्टीवेशन। तो जो मेरी स्कूलिंग हुई है वो देहरादून से हुई है, उसके बाद मेरी जो पढ़ाई आगे बैचलर्स इन सोशल वर्क मास्टर्स इन सोशल वर्क मैंने किया है MIT यूनिवर्सिटी नोएडा से। तो उसमें क्या रहा कि जब हम सोशल वर्क में काम कर रहे थे ऑलरेडी वहाँ पे वी वर्कड ऑन ह्यूमन राइट्स चाइल्ड राइट्स ठीक है ना, और एडुकेशन पे हम लोगों ने काम किया, तो काफ़ी सारी चीज़ों में हम लोगों ने ये देखा कि जो मेन प्रॉब्लम है, जो मेन समस्या है उत्तराखंड में वो माइग्रेशन है। और माइग्रेशन उत्तराखंड में अगर आप देखा जाए तो हर जगह जो और भी जो सोशल प्रॉब्लम्स है, जब मैं दिल्ली में काम कर रही थी NGOs में, तो हमेशा से यही देखा कि जो मेन प्रॉब्लम है वो आपका होती इसलिए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पावर्टी, हमारे पास रोजगार का साधन नहीं है। तो रोजगार का साधन ना होने की वजह से ये मेन प्रॉब्लम हम लोगों को होती है। तो उसमें यही था कि पॉवर्टी है, गरीबी है, तो जब तक वहाँ रह के और अलग अलग चीज़ों में काम करने से अच्छा कि पॉवर्टी को ही हटाया जाए ना। तो मैं उत्तराखंड की थी तो जब मुझे लगा कि इस चीज़ में मुझे काम करना है तो क्यों ना उत्तराखंड वापस जाके काम किया जाए, बिकॉज चैरिटी बिगिंस एट होम, तो घर से ही शुरुआत करनी है। तो घर मेरा उत्तराखंड था तो मैं यहाँ पे वापस आई और यही देखा कि 4-5 हज़ार रुपये के लिए, मैंने दिल्ली में भी यही देखा
महज 4-5 हज़ार रुपये की जॉब के लिए जो हमारे यूथ हैं वो माइग्रेट होके शहरों की तरफ जा रहे हैं और बहुत ही पैथेटिक कंडीशन में लाइफ लीड कर रहे हैं. कोई बर्तन धो रहे हैं, कोई सब्जी बेच रहे हैं, कोई होटल में है. तो बहुत ही पैथेटिक कंडीशन ऑफ लाइफ है उनकी. तो मुझे लगा कि इतना जब हम कर रहे हैं तो क्यों ना उत्तराखंड में जाके करें. तो वापस आए और फिर वी स्टार्टेड फ्रॉम लाइक आई थॉट कि मुझे खेती करना चाहिए, एग्रीकल्चर, क्योंकि उत्तराखंड जो है एक पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी राज्य है और खेती के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है. तो क्यों ना हम खेती में काम करें, जो हमारा स्ट्रेंथ है. ज़बरदस्ती का इंडस्ट्रीज और ऐसी चीज़ों को लाके तो फ़ायदा नहीं, और खेती जो है वो हमारा पार्ट ऑफ लाइफ है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ आर कल्चर. तो हम लोगों ने खेती से शुरुआत करी इसकी. खेती में मशरूम भी इसलिए चुना क्योंकि मशरूम जो है वो स्मार्टेस्ट वे ऑफ कल्टीवेशन. खेती आपको पहले से आती थी कि कहीं से? नहीं, खेती नहीं आती थी, कभी खेती का काम नहीं किया था, पढ़ाई वगैरह करी और एग्रीकल्चर बैकग्राउंड नहीं था. बट ये था कि कुछ खेती में करना है, वो तो सीखने पे सारी चीज़ें आ ही जाती है ना, अगर हम जाएंगे, ट्रेनिंग लेंगे, टेक्निकल चीज़ों को समझेंगे. मशरूम इसलिए चुना मैंने कि मशरूम जल जमीन जलवायु की खेती नहीं है. That is one of the smartest way of cultivation. पूरे साल आप इसको कर सकते हैं, जैसा तापमान वैसी मशरूम लगानी. मशरूम को सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है तापमान. तो जैसा तापमान हमारे पास है वैसी मशरूम हम पूरे साल लगा सकते हैं, यानी कि 365 दिन हम इस खेती को कर सकते हैं. और इसके अलावा खेती में सबसे ज़्यादा चैलेंज हमें क्या आता है कि जंगली जानवर हमारी क्रॉप ख़राब कर देते हैं. तो ये इंडोर कल्टीवेशन है, कमरे के अंदर उगने वाली खेती है. तो फिर सबसे बेहतर लगा मुझे कि जानवर भी इसको ख़राब नहीं कर पाएंगे. इंडोर है, कभी ज़्यादा बारिश आ गई या कभी कुछ टेम्परेचर गड़बड़ हो गया तो खेती ख़राब हो जाती. तो बारिश वगैरह आती तो भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण हमने मशरूम को चूज़ किया. और आलू प्याज कोई लगाए तो 8-10 रुपए किलो बिकता है और ये 100 रुपए किलो. मैंने सुना कि कई महिलाओं को आपने रोजगार भी दिया, उन्हें अपना साथ जोड़ा भी, उन्हें बढ़ावा भी दिया, ये क्या था, ये कैसा था? ये यही था कि हमने यूथ और महिलाओं पे बहुत ज्यादा फोकस किया और उनको अपने साथ जोड़ा है. करीबन ऑल ओवर इंडिया में 7,000 से ज्यादा लोग हैं जो मशरूम के द्वारा हमसे जुड़े हुए हैं और 4-5 हज़ार के बीच हमारे उत्तराखंड में ही है उसमें. तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, मशरूम को बहुत ही सिंपल और साधारण बनाया. जो इंडस्ट्रीज चल रही थी, जो 4-5 करोड़ रुपए की खेती शुरू होती थी कि आपको 4-5 करोड़ रुपए लगाना है, बहुत सिंपल, इजी, साधारण बनाया और कोई भी इसको 1,000, 1,500, 5-10 हज़ार रुपये से शुरू कर सकता है. तो इसमें महिलाएं और यूथ सबसे ज़्यादा जुड़े. तो ऐसी 10x10 के दो कमरे में भी कोई लगाता है तो आपका मंथली वो 5-6 हज़ार रुपये ईजिली अर्न कर सकता है. तो इसी तरीके से लोगों ने 10x10 के 4 कमरे, 5 कमरे, 6 कमरों में लगाना शुरू किया और इससे अपने रोजगार का साधन बनाया. और इतना लो इन्वेस्टमेंट के साथ लोग 5-10-15 हज़ार में शुरू कर रहे हैं कि उनके बजट के अंदर भी है. जैसे कि हम अंदर आए थे तो हमने एक चीज़ देखी कि आपके लैब्स वगैरह भी हैं, इंटर्न्स वगैरह भी सीख रहे थे, काम कर रहे थे. तो इसके लिए आपने कहीं से ट्रेनिंग ली थी, कैसे? मेरी जो स्टार्टिंग ट्रेनिंग हुई है मशरूम हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में, मशरूम ऑफिस है आपका हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर ही, वहाँ से ट्रेनिंग ली. फिर ICAR DMR है सोलन में, वहाँ से लिया. बट उसके बाद ऑल ओवर इंडिया में सीखा तो सीखा, पर थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम और काफ़ी सारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जाके मैंने सीखा. तो इट्स बीन 8 ईयर्स, तो ज़्यादातर कोई कंट्री छोड़ी नहीं है जहाँ जो मशरूम में अच्छा काम कर रही हो और ना सीखा हो. तो ऐसे सीखा है मैंने अलग अलग जगह. देखिए हमारे जो प्रोग्राम देखते हैं तो एक आम लड़की बोल रहा हूँ यहाँ पर. हाँ, डेफिनेटली आम लड़की. दिव्या रावत कैसे बन सकती है, क्या अलग है आप में, क्या चाह थी, क्या जुनून था, क्या पैशन था कि आप आज दिव्या रावत हैं? दिव्या रावत आज खुद में एक ब्रांड है, तो वो कैसे बना और एक आम लड़की वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या चाहिए? देखिए 8 साल हो चुके हैं मुझे काम करते हुए और आप सोचेंगे कि डे वन से चीज़ें बहुत सिंपल और आसान है, तो सिंपल और आसान नहीं होती है. 3-4 साल बहुत धक्के खाए हैं, बहुत मेहनत करी है. और मशरूम में सबसे बड़ा चैलेंज था कि टेक्निकल नॉलेज नहीं होती है, करेक्ट नॉलेज नहीं होती है. वो करेक्ट नॉलेज के लिए मुझे अलग अलग कंट्री जाना पड़ा, देखना पड़ा, सीखना पड़ा. तो बहुत सारे चैलेंजेस मेरे पास आए, पर उन चैलेंजेस में क्विट नहीं किया. कभी कभी ऐसा लगता था यार कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आई एम इन टू लॉस. 3-4 साल के बाद जब हमने इतना ज़्यादा मेहनत करी, अब ये में जो मुझे 4 साल लगा ना, क्योंकि टेक्निकली इंडिया बहुत पीछे था मशरूम कल्टीवेशन में. लोगों को 6 महीने साल भर लगेगा, पर दे हैव टू लाइक कीप पेशेंस, ठीक है ना. तो मुझे 4 साल इसलिए लगा, मैं तो कर चुकी हूँ, अब तो आपको वो आपको नहीं इतना भागना दौड़ना है, वो तो मैं कर चुकी हूँ. पर फिर भी पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है. उसमें क्या करते हैं कि पेशेंस नहीं होता, क्विट कर देते हैं.
ठीक है ना। कोई भी चीज़, आप कोई भी काम स्टार्ट करोगे या कोई भी जॉब स्टार्ट करोगे, चैलेंजेस हर किसी में आते, पर आपको अगर पेशेंस नहीं यार आपने छोड़ दिया तो क्विट करना, आप बोलोगे मैंने इसलिए छोड़ा, मैंने इसलिए क्विट किया क्योंकि वो एक सिचुएशन था। वो सिचुएशन नहीं होती, वो आपकी हैबिट होती है। अगर आपको जॉब में ये प्रॉब्लम आई है या बिजनेस करते हुए, अपना खुद का काम करते हुए प्रॉब्लम आई है, तो जिंदगी भर आप क्विट करते रहेंगे, आपको एस्केप रूट मिल जाता है। आप सिचुएशन के भरोसे कहते हैं, आप अपने आप को ब्लेम नहीं करते, आप सिचुएशन को ब्लेम करते हैं, है ना, कि ये रीजन था इसलिए मैंने क्विट किया, ये रीजन था इसलिए मैंने इस काम को छोड़ा। आप रीजन ढूंढते हैं काम को छोड़ने के लिए। तो ये आदत नहीं डालना है। कोई भी आम लड़का या कोई भी आम लड़की भी दिव्या रावत की तरह आगे बढ़ सकते हैं अगर पेशेंस हो, काम के लिए पैशंस हो, पैशन हो, पर उससे कहीं ज्यादा जरूरत है क्विट ना करने की हैबिट को डालने का। क्योंकि आपकी लाइफ में एक वो फेज है, वो चैलेंज है, चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप अपने बिजनेस में हो, एक वो समय है जब आपको ओवरकम करके आगे बढ़ना है। 10 बार क्विट करोगे तो 10 बार उसका सामना करना पड़ेगा, तो एक ही बार कर लो सामना, है ना, टाइम बचेगा। ये बताइए, देखिए दिव्या रावत जी, हम लोग इंडियन सोसाइटी में रहते हैं जहाँ आज भी मेन एंड वुमेन के बीच में इक्वालिटी का मसला है, तो आप एक महिला होते हुए क्या क्या परेशानियां आपको लगा कि अगर शायद आप एक मैन होती तो शायद वो परेशानियां ना आती, ये कुछ दिखा आपको? ऐसा तो पता नहीं मुझे कभी ऐसा हुआ, क्योंकि परवरिश उस तरीके से नहीं हुई मेरी। मेरे फादर आर्मी में थे और बहुत ही, कभी ऐसा ऐसा डिस्क्रिमिनेशन वाला फेज नहीं देखा। बट महिलाओं के साथ मुझे लगता है कि उनके साथ चैलेंज है, क्योंकि हम लोग वी आई एम वर्किंग ऑन विमेन एम्पावरमेंट एज वेल, है ना। जब मैंने शुरुआत करी थी 22-23 साल में, सुना था कि आप एनजीओ में काम करती थी, वहां बिल्कुल, तो 22-23 साल में शुरुआत करी थी, तो मुझे कोई सीरियस नहीं लेता था। ऐसे ही कोई बच्चा सा घूम रहा है, कहीं भी जाओ भगा देंगे, बैंक वाले भगा देंगे, मंडी वाले भगा देंगे, तो इट हैपेंड विद मी। तो वो तो चैलेंजेस होते हैं, बट कहीं ना कहीं अगर महिलाओं के साथ एक चैलेंज देखा जाए, जो मैंने खुद इतनी सारी महिलाओं के साथ करके समझा है, वो चैलेंज है माइंडसेट का। वो चैलेंज है कि वो किसी भी काम को शुरू करने से पहले ना इतने इफ बट उनके माइंड में आ जाते हैं कि सोसाइटी क्या बोलेगी, समाज क्या बोलेगा, परिवार क्या बोलेगा, पड़ोसी क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, पति क्या बोलेगा, बॉयफ्रेंड क्या बोलेगा, वो क्या बोलेंगे में ना, वो क्या सोचेंगे में, वो इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि काम शुरू करने से पहले ही वो चीज़ें खत्म हो जाती है। तो अगर सशक्तिकरण की या एम्पावरमेंट की बात हम करते हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल एम्पावरमेंट इज़ नॉट अ एम्पावरमेंट, आप सोचते, इकोनॉमिकली चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है, बट कहीं 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 महिलाएं हैं जो बहुत अच्छे लेवल में काम करती हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, टॉप मोस्ट बिजनेस वुमेन भी हैं, बट कहीं ना कहीं उन्हें डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करना पड़ता है। तो हम कैसे बोले कि दे आर एम्पावर्ड? तो कहीं ना कहीं जो एम्पावरमेंट होती है वो माइंडसेट से होती है। आपको सोच से सशक्त होना है, मेंटली एम्पावरमेंट होता है। तो मेरे साथ भी कभी कुछ ऐसा हो, मैं उन महिलाओं को यही बोलती हूँ कि उन सोच से निकलिए कि कौन क्या बोलेगा, और ऐसा सोचिए कि है किसी में दम जो हमें रोक पाए, और अपना काम करो। हर एक दिन आपको ऐसा सोचना है, ठीक है ना। तो वो सोच से पहले, काम करने से पहले ही इतना ज़्यादा सोच लेते हैं कि दूसरे क्या सोचेंगे उनके बारे में, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो मुझे लगता है कि उनको सोच से सशक्त होने की बहुत ज़रूरत है। ये देखिए दिव्या जी, हम बात कर रहे थे यहाँ पर, तो आपके भाई से भी मैंने बात करी जी। ये बताइए, आपके भाई ने बताया कि आपकी सिस्टर जो है वो भी आपके साथ इन्वॉल्व है आपके काम में। फैमिली सपोर्ट कितना मायने रखता है? मायने रखता है डेफिनेटली, पर क्या होता है स्टार्टिंग में, ऐसा नहीं है मैं कहूँ मुझे फैमिली सपोर्ट है तो दूसरे सोचेंगे मेरे को फैमिली सपोर्ट नहीं तो वो काम करना बंद कर देंगे, है ऐसा नहीं करना है। आपको कन्विंस करना है। चीज़ें आसान नहीं थी, मेरे लिए भी आसान नहीं था। अचानक से दिल्ली से सब कुछ पढ़ पुढ़ के आ जाना, फिर अपने गांव चले जाना, चमोली गढ़वाल और भूसे में घुस जाना, तो देवर शौक कि ये क्या हो रहा है। बट आपको पेशेंस रखना है, चाहे वो सोसाइटी हो, दुनिया हो, चाहे अपने घर वाले ही क्यों ना हो। कैसा रिएक्शन आता जब आप दिल्ली से जॉब छोड़कर? उनको लगा कि मेरा दिमाग खराब हो गया है, है ना। तो कन्विंस किया, उनको समझाया, उनको बताया, और अगर सपोर्ट मिले तो और चीज़ें जो 2 दिन में होनी होती वो 1 दिन में आसान हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आप कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव वे से बढ़ेंगे तो फैमिली हमेशा सपोर्ट करती है, बट फिर भी होप लूज़ नहीं करना है और काम करते रहना है।
मेरे लिए अभी बहुत, अभी काम इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि हर एक पार्ट ऑफ मेंबर जो है वो एक एक अलग अलग डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं। वी आर मोर इनटू लाइक बड़ी बड़ी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। अभी हम लोग एक एक दो दो लाख किसानों को जोड़ने का हम लोगों का प्रोजेक्ट और प्लानिंग चल रहा है। अपने खुद के रिटेल रेस्टोरेंट आउटलेट चेंज चल रहे हैं, तो बहुत सही लगता है। पहले लगता था कि हम पांच भाई बहन क्यों हैं, पापा ने इतने सारे बच्चे क्यों पैदा किए, मैं सबसे छोटी हूँ, इतने बड़े क्यों। अब अच्छा लगता है, पांच नहीं दस होने चाहिए थे, है ना। जब बिजनेस बढ़ता है तो कहीं ना कहीं फैमिली का रोल आता है, तो अब लगता है नहीं, अब तो दस हो जाते तो ज्यादा अच्छा था। हर एक डिपार्टमेंट दे दिया जाता, हर एक डिपार्टमेंट दे दिया जाता। अच्छा ये बताइए दिव्या जी, आप नोएडा में थी, नोएडा में आपने पढ़ाई करी, नोएडा में आपकी जॉब थी स्टार्टिंग में? दिल्ली में थी, दिल्ली में रहती थी, नोएडा एमिटी में से पढ़ाई करी है जी। नोएडा में थी, दिल्ली में आपने जॉब कर रही थी जी। कम्फर्ट जोन होता है एक, कंफर्टेबल होंगी, जॉब चल रही थी, कंफर्टेबल होंगी, ठीक है, ऐसे ही चलता रहता है, ऐसे ही चलता रहता है। वो कौन सा थॉट प्रोसेस होता है जिससे इतना बड़ा स्टेप ले लेता है इंसान कि वो वापस आ जाता है? क्योंकि आप ये समझिए, आपको तो पता नहीं था कि आप आगे जाके सक्सेसफुल होंगी, तो वो थॉट प्रोसेस क्या है कि आप यहाँ पर आई, उसके लिए कितनी इच्छा शक्ति चाहिए होती है, कितना उसके लिए मनोबल चाहिए होता है? उसके लिए एक्चुअली मेरे को बचपन से ही बहुत पैशन था कि मुझे उत्तराखंड में जाके कुछ करना है, मुझे अपने देश के लिए भी कुछ करना है। और उसके लिए ये था कि अपना तो इन लाइफ में आगे बढ़ना है, पर आप जिस सोसाइटी का पार्ट हो, आप जिन जिन लोगों के साथ हो, आप जिस स्टेट का पार्ट हो या आप जिस कंट्री का पार्ट हो, तो आप ऐसे बढ़ो ना कि आपके आसपास की चीज़ों को भी बढ़ावा मिले, ठीक है ना, टुगेदर वी राइज वाला। तो ये हमेशा से एक पैशन था मेरे अंदर, इसीलिए मैंने ये स्टेप लिया कि मुझे वापस जाना है और मुझे इस तरह से काम करना है कि जो भी, और यही मैसेज मैं औरों को भी कन्वे करती हूँ, ये नहीं कि आप अपना बस बिजनेस कर रहे हैं, आप इंडिविजुअल बढ़ रहे हैं। देखिए इंडिविजुअल तो कोई बढ़ता है, मैं भी बढ़ती हूँ, पर जितना ज़्यादा मैं 8 साल में बढ़ी हूँ, अगर मैं इंडिविजुअल, देखो आप सबको साथ लेके बढ़ते, पेशेंस चाहिए, सबको हैंडल करना आना चाहिए, बट उसके अलावा क्या है कि वाकई में मुझे लगता है कि अगर मैं इंडिविजुअल बढ़ती तो मेरी इतनी ग्रोथ नहीं होती। सबका सोचा तो सबने फिर मुझे भी वो पॉजिटिव पावर दी है आगे से ना। मैंने उत्तराखंड में काम किया तो स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया है, उत्तराखंड के जितने भी लोग हैं उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, तो कहीं ना कहीं मैंने जो उनके लिए अच्छी सोच रखी तो उन्होंने भी वो सपोर्ट किया। तो जो चीज़ मैं आज के 25-30 साल बाद या 35 साल बाद लेवल अचीव करती, वो 7-8 साल में मैंने अचीव किया है। तो कहीं ना कहीं सबको भी ये मैसेज मैं कन्वे करती हूँ, और यही मेरा मानना है कि जब भी हम अपनी ग्रोथ की बात सोचते हैं तो हम अपनी सोसाइटी, अपना नेशन, अपना स्टेट, अपने आसपास के लोग, उनके बारे में भी ज़रूर सोचें और सबको साथ लेके आगे बढ़े। देखिए आपके जवाब से एक चीज निकल कर आई है, लोगों के मन में बड़े डाउट्स होते हैं, वो सक्सेसफुल को किस चीज से नापते हैं कि इकोनॉमिकली कितने सक्सेसफुल है, ठीक है, पैसे कितने ज्यादा कमाते हैं उससे सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन एक दूसरी बात भी कही जाती है कि आप लोगों के लिए कुछ करिए, तो उससे जो सक्सेसफुल होते हैं वो दरअसल असली में सक्सेसफुल होना है। बिल्कुल बिल्कुल, वो डायरेक्शन लेस होकर सिर्फ पैसों के पीछे भागना इज नॉट अ सोल्यूशन। आप पैसों के पीछे, पैसों से आपको इतना ज्यादा प्यार हो जाता है कि छूट जाते हैं वो। आप अपना काम करिए, और देखिए हम लोग भी मशरूम में हैं, और अगर प्रॉफिट ना हो और सारे जो ग्रोवर्स हैं उनको भी प्रॉफिट ना आए, उनका घर का खर्चा ना चले, उनका घर ना चले, पैसा ना आए, तो ये प्रोजेक्ट भी फेल है, ठीक है। बट उसमें सिर्फ इंडिविजुअल नहीं है, प्रॉफिट आना भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पैसा आना भी इम्पॉर्टेंट है, पर पैसे को पैसे की तरह देखना है, ठीक है ना। तो मेरा मानना यही है, पैसे को पैसे की तरह देखो और आप काम करते जाओ। अब आज का डेट हमारा 7-8 साल में ऐसा है कि लोगों को पॉजिटिव वे में जोड़ा है, सबको जोड़ा है, डिपार्टमेंट्स को जोड़ा है, गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम किया है, एक कलेक्टिव एफर्ट हम लोगों ने डाला है। अब टाइम ऐसा है कि मैटर बियॉन्ड रीजनेबल कंट्रोल है, रोज इतने कॉल्स आते हैं, वी वॉन्ट टू इन्वेस्ट, हमें इस तरीके से काम करना है, बट अब सिचुएशन हमारे हाथ में कि हमें किस तरीके से काम करना है, कैसे काम करना है, किस तरीके से किस तरह से आगे चीज़ें चलनी चाहिए। आई हैव हायर्ड प्रोफेशनल टीम जो हर स्टेट में जाके काम कर रही है, तो यही सारी चीज़ें मैं लोगों को और जो भी लोग देख रहे हैं मैं उनको कन्वे करना चाहती हूँ कि इतना ज़्यादा पैसे जो हैं वो पैसे की तरह ही रहने चाहिए, और सभी का हमको सोचना है, क्योंकि आए हैं चले जाएंगे, व्हाट वी हैव डन फॉर द सोसाइटी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बताइए, देखिए अब आप तो एक लेवल क्रॉस कर चुकी है, जब केबीसी की भाषा में बोलूँ आपने एक पड़ाव पार कर लिया है, तो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी, लेकिन जब स्टार्टिंग में किया होगा तो कई प्रॉब्लम आती होगी, कभी कभी ग्राफ भी नीचे गिरता होगा, तो ऐसे में कभी कभी मन करता था कि यार कहाँ फंस गए, हट जाते हैं, ऐसे कुछ? बिल्कुल, बहुत बार मन करता था, मैंने वही बोला, जो भी मैं बातें आपको बोल रही हूँ वो कोई मेरा किताब पढ़ के नहीं बोल रही हूँ, दैट इज़ माय ओन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो 8 सालों में लिया है, और फेलियर्स आते हैं
और सबसे ज़्यादा किसी काम को शुरू करना बहुत आसान है, और उस काम को कंसिस्टेंट वे से लेकर चलना कंटिन्यूस बेसिस पे, वो बहुत मुश्किल है। तो ये विचार आते हैं, और फिर विचार में फिर ये भी विचार आया कि क्विट नहीं करना है, ये तो सिचुएशन है, जॉब कितनी बार बदलूंगी, कितनी बार दूसरे काम में शुरू करूंगी, 10 बार छोड़ूंगी तो 10 बार उस सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा, एक बारी में उस पड़ाव को पार कर लीजिए। तो ये अच्छा, चीजें आती हैं। देहरादून में छोटी सी फैमिली से आप बिलोंग करती हैं, उससे बढ़ के आप धीरे धीरे आप आगे बढ़ी, राष्ट्रपति साहब सम्मानित हुई, वो मोमेंट कैसा था? दैट वॉज द वन ऑफ द मेमोरेबल मोमेंट ऑफ माई लाइफ एक्चुअली, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे और बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील किया। वो एक ऐसा मोमेंट था कि आज हम उससे कहीं ज़्यादा आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। और वो सिर्फ वो जो सम्मान था वो मेरे लिए नहीं था, मेरे साथ जितनी भी महिलाएं जुड़ी थी उत्तराखंड में और उत्तराखंड के अलावा अन्य राज्यों में, उन सबको वो सम्मान था। उनसे मेरे अंदर जो पॉजिटिव पावर आई है पर मेरे से 10 गुना ज़्यादा उनके अंदर आई है, तो वो मेरे लिए यादगार मोमेंट है। तो देखिए, एक चीज़ थी कि आपकी जो एनर्जी है वो तो बहुत एक्साइटिंग है, ठीक है। अब ये बताइए कि जो लड़कियां हैं जो घर पर हैं, महिलाओं की भी यहाँ पर बात कर रहा हूँ, वो लोग घर पर हैं, उनके मन में बड़े डाउट्स रहते हैं कि हम आगे बढ़ पाएंगे, हम ये स्टीरियोटाइप होता है कि हाँ ठीक है कैसे आगे बढ़ेंगे, फैमिली प्रेशर और बहुत सारी तमाम चीज़ होती हैं, क्योंकि शादी हो चुकी है, हस्बैंड्स का होता है, जो लड़कियाँ हैं कुछ करना चाहती हैं लेकिन पेरेंट्स का कुछ और प्रेशर है, तो ऐसे में आप उन लड़कियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? ऐसे में मैंने वही बोला है, वही पेरेंट्स का प्रेशर क्या सोचेंगे, जो हम अभी बात कर रहे थे ना कि सोच से सशक्त होना बहुत ज़रूरी है, तो यही तो सोच है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, अच्छा खासा पढ़ भी रहे हैं या कोई चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग अभी काम कर रहे हैं बहुत। मैं चाहती हूँ कि ऐसी महिलाएं या लड़कियां आए जो आपका अलग अलग गांव से हैं या रूरल कस्बे से हैं, अंदर से है, तो अभी हम लोगों ने रखा है, मेरे पास कोई भी अगर ऐसा है मुझे क्लिक करता तो डेफिनेटली कहते हैं सीखते, पर वो सोच बदलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे पास अभी हाल फिलहाल एक केस था जिसमें कि कोई भी लड़की आती है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई भी आ रहे हैं, देन आई मेट अ गर्ल जो आपका 12th पास है, एंड वो एक ऐसी जगह से आई है जहाँ पे कि 15-16 साल में भी शादी कर देते हैं, एंड शी इज़ 23-24 ईयर्स। तो वो मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग था कि किसी के लिए अगर आसपास मेरी कॉलोनी से कोई ग्रेजुएट भी आता तो वो सिचुएशन है, और वो वहाँ से आई हैं। आई वॉज सो इम्प्रेस्ड। तो हम लोगों ने फिर मैंने उनको बोला, नहीं एक काम करो, आप 1-1.5 महीना आओ, पूरा सीखो, और आपको अपनी कम्युनिटी में जाके कैसे काम करना है मैं बताती हूँ, कैसे आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना है, कैसे आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी लेनी है, कैसे आपने प्रधान को एनरोल करना है, कैसे आपने पूरे जो आपका पूरा एरिया है, जो गाँव है, जो विलेज है, बहुत बड़ा गाँव है, तो कैसे करके आपको उस गाँव में सारी महिलाओं को एंगेज करना है। तो वही सारी चीज़ें हैं कि मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से उस लड़की ने हिम्मत दिखाई है, मैंने कहा ना सोच, उस सोच से निकली है। 12th पास कहेंगे, अरे 12th पास है, नहीं, वो देखो कि वो किस सिचुएशन से आई है, उसके लिए 12th पास करना भी बहुत बड़ी बात है, जहाँ पे कोई 5वीं 6वीं भी लड़की पास नहीं करती है। तो हम बहुत अच्छा लगा इसी तरीके से, जिस तरीके से सोच से सशक्त होना है, तो वो सोच को अपना को सशक्त होकर ओवरकम करके मेरे पास आई है। तो वी आर प्लानिंग एवरी प्रोजेक्ट विद हर ना, कि कैसे करके उसी कस्बे की महिलाओं को कैसे हम एम्पावर करेंगे, कैसे करके गवर्नमेंट का भी रोल होगा या प्रधान का, विलेज पंचायत का रोल होगा, तो यही सारी चीज़ें। तो उसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि और लड़कियाँ आगे आएँ उनकी तरह और काम करें। तो हम लोग अभी पूरा लैब का काम सिखा रहे हैं, कुछ इस तरीके से कुछ ऐसे एग्जांपल्स आते हैं, तो प्रोएक्टिव वे से आगे बढ़ती हूँ, प्रोएक्टिव वे से उनको सिखाती हूँ। और मुझे आई रियली वांट कि ऐसी महिलाएं और ऐसी लड़कियां जो हैं वो सारी आएं, कुछ ऐसा हो कि कि हम लोगों ने क्या किया, जो प्रोफेशनल्स हमारी ट्रेनिंग होती है दैट इज़ लाइक चार्जेबल, और काफ़ी मैं गांव-गांव जाके ट्रेनिंग देती हूँ, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, पर कुछ ऐसी ट्रेनिंग होती है जो लोग अपना 50-60 लाख रुपए लगा के, 1 करोड़ लगा के काम करते हैं। तो वो जब वो लड़की जब वो आई, आई फील सो हैप्पी। मैंने उनको 1 महीने रखा, मैंने कहा आप सीखो सारा। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसी महिलाएँ आए मुझसे जुड़े और हम कुछ इस तरीके का काम कर पाए कि मैं आज वो एक आई है, ऐसे ही मेरे पास पूरे 50, 100, 150, 200 ऐसे लोग आए, मैं जिनका बैच बनाऊं और 1-1 महीने हम उनको इस तरीके से ट्रेनिंग दे कि वो हम मेरे एक्सटेंडेड आईज और आर्म्स हों, और वापस जाके जैसे उन्होंने उसको मैं काम करा रही हूँ, और वैसे और भी लोग काम करें। ओके जी, आपके आंसर से एक चीज़ निकल कर आई, आप नोएडा में आपने जो थी नोएडा में पढ़ाई करी, ठीक है, उसके बाद बीच का जो प्रोडक्शन वगैरह है वो भी हम समझ सकते हैं कि आपने ट्रेनिंग ली, पढ़ाई करी होगी,
लेकिन बहुत एक रूट लेवल की बात होती है कि प्रधान, ग्राम पंचायत, ये चीज आप कैसे सीखे, ये ग्राम प्रधानों के बारे में सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे बनाने हैं? प्रधान वाला मुझे बड़ा का कीवर्ड जो था वो बड़ा एक्साइटिंग, ये 8 साल से हम लोग जो इंटीरियर्स में जाके गांव-गांव में काम कर रहे हैं वो पूरा बिल्कुल बिल्कुल पूरे सिस्टम को समझा किस तरीके से काम होगा, ग्रास रूट लेवल में जाके काम किया, तो बस उन्हीं सब जो 8 साल का एक्सपीरियंस है उसमें हम पंचायत से लेके टॉप मोस्ट जितना भी आपके मल्टीनेशनल कंपनीज है सबके साथ काम करते हैं, क्योंकि हम एक ब्रिज है इसको हम पंचायत को जो ग्राम है जो विलेज है उसको जो अपना प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस बेच रहे हैं हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज को बेच रहे हैं वो ना, तो वो हम वो हाँ तो बिल्कुल एक मीडियम है जो इस ए पॉइंट से बी पॉइंट को जोड़ता है। थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। तो ये थी हमारे साथ मशहूर मशरूम गर्ल, इनके बारे में हमने आपको दिखाया, इनके एनर्जी के बारे में आपको बताया, और इन्होंने जैसा बताया कि पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही तमाम जो इन्होंने चीज़ें बताई वो मैं बिल्कुल मानता हूँ कि आपके लिए बहुत कारगर साबित होंगी। आप बने रहिएगा न्यूज़ ऑल इंडिया के साथ। धन्यवाद।